साथियों, अच्छा होता अगर मैं उड़िया बोल सकता, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो हिंदी में ही मेरी बात रखूंगा। यहाँ आज का जो विषय है, ये हमारे सामने रखा गया है कि हमारे सामने समस्या क्या है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आज है यह है कि आजादी के 70 साल बाद इस देश में जाति व्यवस्था ऐसी है जो पहले थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र यहां बहुत हमने सुना, उसका आखिरी संदेश क्या था? उन्होंने जो किताब लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जब तक जाति व्यवस्था इस देश में रहेगी इस समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास इतना खाना नहीं था कि पूरे देश खा सके। आज हम इतना खाना यहाँ पैदा कर सकते हैं कि बाहर के देश में बेच सकते हैं। हमने काफी विकास कर दी, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, लेकिन जाति व्यवस्था बरकरार है। 1986 में आज से 30 साल पहले मेरे ही 4 साथियों की गोली मार के हत्या हुई थी गांव के अंदर। तब मेरी उम्र 25 साल की थी, मैं कॉलेज से निकला था और गांव में काम करना शुरू किया था, तो मैंने जाति बहुत नजदीक से देखा। दलित परिवार में पैदा हुआ, लेकिन एक शहर में था। लेकिन मैंने 36 साल निकाले ये जाति व्यवस्था को समझने के लिए। मेरा पहला मुद्दा यह है कि जाति व्यवस्था है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था रहना चाहिए। हम जाति व्यवस्था से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जब 17 साल की उम्र में कॉलेज में आया तो मेरे प्रोफेसर अध्यापक थे, उसके साथ गांव में गया था सर्वेक्षण करने के लिए कि दलितों का हालत क्या है। मैंने गांव नहीं देखा था, तो मैंने बोला कि मुझे गांव देखना है, तो वहां के दलित भाई लोग मुझे गांव दिखाने के लिए ले गए। तो मैं घूम रहा था, यहां क्षत्रिय है, यहां ब्राह्मण है, यहां पटेल है, सब अलग अलग कस्बों में रहते हैं। तो मैंने देखा कि हर एक घर के अंदर छत के ऊपर या छत के नीचे एक चाय का कप रखा था। मैंने इतने सारे चाय का कप का म्यूजियम नहीं देखा था कभी, हर एक घर में ऊपर। मैंने बोला ये क्या है कप सब? तो दलितों ने मुझे समझाया इसको राम पात्र बोलता है, राम का पात्र, हिंदू धर्म के जो ज्येष्ठ देवता है उसका पात्र। तो मैं जरा ताजुब रह गया कि ये तो धार्मिक चीज जो है ये इतना गंदा बाहर क्यों पड़ा है? आप उसको घर में रखिए, साफ करिए, उसकी पूजा करिए। तो मुझे समझाया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम दलित लोग हैं, ये बड़ी जात वाले लोग हैं, अगर हम उसके घर आएंगे मजदूरी के लिए पैसा मांगने के लिए तो बोलेंगे अच्छा आप चाय पियोगे? तो हम बोलेंगे हाँ मालिक। अच्छा तो तुम्हारा राम पात्र लाओ। तो हमारा ये राम पात्र है, हमें उसको उठा के नीचे रखना है, फिर वो पानी डालेंगे, हम धोएंगे, फिर ऊपर से चाय डालेंगे, हम पिएंगे और फिर उसको रख देंगे हमारे दूसरे भाई बहनों के लिए। ये मैंने देखा था, 17 साल की मेरी उम्र थी तब, 40 साल पहले। ये देख के मैं वापिस आया दलित बस्ती में जहां खाना लगा था, तो मैंने देखा कि सब दलित के घर में भी वो कप है।
मैं ताजुब हो गया। मैंने बोला एक मिनट मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। आपने मुझे बोला कि ये जो सोपर बड़ी जाति है वो रखती है दलितों के लिए, तो एक कप आपके यहाँ नहीं, माटी में बराबर है लेकिन हम दलित हैं, लेकिन दलित में हम ऊंचे हैं। तो अगर भंगी हमारे घर आएगा, वाल्मीकि हमारे घर आएगा जो हमसे छोटा है, तो उसको देने के लिए हमें कप रखना है, तो जाति व्यवस्था कैसे चलेगा? जब इस देश में हरेक इंसान मानता है कि या मैं तो किसी से बड़ा हूं या छोटा हूं, हम इक्वल नहीं है, तो जाति व्यवस्था कैसे देश में जाएगा? हम बोलते हैं दलित, लेकिन दलित का एक पहचान नहीं है। पूरे भारत में जाएंगे तो दलित के अंदर 751 सबकास्ट है, ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी है, हम बोलेंगे दलित। ठीक है, तो जाति की बात हो गई, समानता नहीं है। हम बिहार जाएंगे, बिहार में दलितों में एक जाति है जिसको मुसहर बोलते हैं, मुस यानी चूहा, जिसका आहार चूहा का है। 2011 में जनगणना में पता चला कि मुसहर औरतों की अक्षर ज्ञान की प्रमाण लिटरेसी 0.46% है, यानी 200 औरतों में से एक पढ़ सकती है, लिख सकती है। अब राजस्थान में चले जाएंगे, दलितों में एक कम्युनिटी है पासी, जिसका लिटरेसी रेट 2.5% है। आप आंध्र में जाएंगे, माला माडिगर 4% से कम लिटरेसी रेट आपको मिलेगा। अभी सवाल यह है कि समानता कैसे लाएंगे? बाबा साहब ने समानता का अर्थ क्या है वो हमें समझाया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। कानून के सामने सब समान और सबको विकास का हक। अभी आप सबने गुजरात का देखा, टीवी पे वीडियो पे देखा है, ऊना में जो भी हुआ है। मैंने सोचा 1986 में जब मेरे साथियों की हत्या हुई थी, तब मुझे लगा कि ये गुजरात का सबसे बड़ा हत्याकांड आखिर था, लेकिन 30 साल बाद हमने ऊना में देखा क्या हो रहा है। 4 नौजवानों को कार के पीछे बांध के कपड़े निकाल के पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस की हाजिरी में पुलिस के डंडे से पिटा गया। क्यों? आप गाय का चमड़ा निकाल रहे थे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कि गाय जिंदा थी या गाय मरी हुई थी। मैं बोलता हूं कि अगर गाय जिंदा भी थी तो कौन से कानून के नीचे गौ रक्षक जो है उसको सत्ता मिली है लोगों को मारने का पीटने का? कानून के अंतर्गत अगर पुलिस को भी पता है कि मेरे घर में कुछ छिपा हुआ है तो पुलिस मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, उसको कोर्ट जाना है, सर्च वारंट निकालना है, बाद में वो मेरे घर में आ सकता है। अब ये गौ रक्षक कौन से कानून के नीचे रजिस्टर्ड हुए है, इसका पॉलिटिक्स हमें थोड़ा समझना चाहिए। अभी NDTV में मेरा इंटरव्यू था रवीश कुमार के शो में, पूछा गया मुझे कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि गोली मारना है तो मुझे मारो, बोले दलित भाइयों को मत मारो, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने बोला कि पंत प्रधान जो है प्राइम मिनिस्टर की चेयर को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं हमें आप पे भरोसा नहीं है, वी डोंट ट्रस्ट यू। क्यों? मेहरबानी करके आप ऐसा मत बोलिए कि मैं साथ हूं और बदमाश लोग वहां है। आपने साथ में मिलकर ये धंधा खड़ा किया था। आप 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे,
अगर आप बोल सकते हैं पूरे भरोसे के साथ कि 80% लोग इसमें गुंडे हैं, तो आपको ये पता नहीं था क्या? इलेक्शन जीतना है वो तो हर एक पार्टी का मकसद होता है, लेकिन थोड़ी तो नैतिकता होनी चाहिए। मैं लोगों को मरवा दू, कटवा दू, आपको जो करना है करो, कानून तोड़ दो, ये गांधी और आंबेडकर के बीच में ये सबसे बड़ा संघर्ष था। गांधी जी बोलते थे बाबा साहब को कि देखिए बाबा साहब, ये छुआछूत का जो मसला है ना, जब तक लोगों का अंतकरण नहीं बदलेगा ये हल नहीं हो सकता है। और बाबा साहब ने बोला था, माफ करिए गांधी जी, कोई भी समाज, कोई भी देश कानून के बिना नहीं चल सकता है। अंतकरण के तौर पे आप देश नहीं चला सकते हो, आपको कानून चाहिए। इस देश में कानून है तो ये गौरक्षक जो है, ये कौन से कानून के नीचे काम करते हैं? और पुलिस उसका हर एक बात मानता है, पुलिस बोलता है कि अच्छा आप अच्छा कर रहे हो। बात ऐसी है, गौ रक्षा के नाम पे बड़ा धंधा चल रहा है। आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के साथ ये सामने ये थी कि समानता कैसे लाया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान देश के सामने रखा 26 जनवरी 1950 में, तब उसका जो सेंटेंस था ना, हमें याद रखना चाहिए, टुमोरो व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल कम इनटू फोर्स वी विल एंटर इनटू एन एज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कल जब ये संविधान अमल में आएगा तो इस देश विरोधाभास की दुनिया में प्रवेश करेगा। कौन सा विरोधाभास? कानून में लिखा है कि सब समान है, लेकिन समाज में लोग मानते हैं कि कोई समान नहीं है, तो ये सामाजिक असमानता और कानूनी समानता के बीच में विरोधाभास होगा। और जब तक हमारा कॉन्शियंस नहीं बदलेगा, एक कानून का कोई मतलब नहीं है, बाबा साहब ने बोला था। अभी सिर्फ जयगुम बोलने से या बाबा साहब का फोटो लगाने से कुछ होने नहीं वाला है। ये पूरे देश में फैशन चली है, जय भी बोल दो, 14 अप्रैल को रैली निकालो, दारू शराब पी के भी जय भी बोलो, ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है। उसकी बात को जब तक नहीं पहचानते हैं, उसकी बात की हम कदर नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो समानता कैसे लाया जाए? तो सबसे बड़ा कानून हमने लाया 1947 के बाद, वो जमीन सुधारणा कानून, लैंड रिफॉर्म्स। उसके अंतर्गत देश में दो कानून आए, एक को बोलते हैं एग्रीकल्चर टेनेंसी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गनोद्धारक, जो खेती करता है उसकी जमीन, जो बोएगा उसकी जमीन। कानून बोलता है कि अगर मैं जमीन का मालिक नहीं हूं, लेकिन सालों तक मैं आपके खेत में काम करता हूं, जमीन खरीदने का पहला हक मुझे मिलता है, कानून पहला आया। और दूसरा कानून आया एग्रीकल्चर लैंड सेलिंग एक्ट, हर एक इंसान कितना जमीन ग्रहण कर सकता है उसके ऊपर एक मर्यादा होना चाहिए। तो पूरी देश की जमीन 36 प्रकार में बांटा गया, ए बी सी डी ई एफ, उत्पादन क्षमता कैसे है, और 1, 2, 3, 4 कौन से प्रकार की सिंचाई इरिगेशन आपको मिलता है। तो सबसे अच्छी जो फलद्रुप प्रोडक्टिव लैंड है, जमीन है, वो 10 एकड़ से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो, और सबसे बंजर जमीन है 1 एकड़ से ज्यादा किसके पास नहीं होना चाहिए। अभी गुजरात में जो कानून है, हर एक स्टेट का कानून है, लैंड रिफॉर्म स्टेट सब्जेक्ट का है, तो गुजरात के तोज मर्यादा कानून में एक प्रावधान रखा गया कि अगर कोई पांजरा पोल चलाता है, गौशाला चलाता है, तो उसका जमीन इससे मुक्त होगा। तो रातों रात लोगों ने गौशाला बना लिया, गरीबों को जमीन नहीं देना पड़े। वहां प्रसिद्ध मंदिर है डाकोर रणछोड़ राय का मंदिर, उसके पास 2500 एकड़ जमीन गौशाला का है। दूसरा है एक सूर्यनगर में, उसके पास 2200 एकड़ जमीन है। पूरे गुजरात में 234 गौशाला है, और पूरी जमीन आप मिलाएंगे 30,000 एकड़ से कम नहीं होगा। जो जमीन
आदिवासी और दलितों को मिलने वाला था। मैं आपको दूसरा मिसाल सुनाता हूं। आप सबने सुना कि गुजरात में आरक्षण आंदोलन चल रहा है, पटेल मांग रहे कि हमें आरक्षण दे दो। कौन से बेसिस पे आपको आरक्षण चाहिए? आप गरीब है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता है, हमें आरक्षण दे दो। एक्चुअली उसका एजिटेशन आरक्षण के लिए नहीं था, उसका एजिटेशन इसलिए था कि अगर हमें नहीं मिले तो देश में किसको नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण खत्म कर दो, ये आंदोलन था। लेकिन ये पटेल का इतिहास देश में बहुत कम लोगों को पता है। गुजरात का जो जहां ऊना हुआ उसको सौराष्ट्र बोलते हैं, और आजादी के बाद सौराष्ट्र का स्टेट अलग था, बाकी का गुजरात का हिस्सा बंबई में था। 47 में सौराष्ट्र का जो स्टेट हुआ वहां ये पटेल लोग थे। पटेल शब्द नहीं था, बोलते थे कण बी, कण और बी, कण और बीज, जो दूसरों की जमीन पे खेती करते थे। वहां पहले जो मुख्यमंत्री थे टेलर, उन्होंने 3 कानून लाके 4 साल में 37,50,000 एकड़ जमीन क्षत्रियों से लेके एक पटेल को दे दिया। 37,50,000 एकड़ जमीन, ये सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन था पूरे देश में। ये जमीन आया, ये पैसे लेके उन्होंने उद्योग में डाला, वहां से इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, सबसे बड़ी एनआरआई कम्युनिटी हो गए और सबसे बड़ा राजकीय फोर्स हो गए। 150 साल पहले पटेलों को लोग शूद्र मानते थे, कई कम्युनिटी उसके घर का पानी नहीं पीते थे। जमीन मिला तो आज ये हो गया। गुजरात के बाकी के हिस्सों में यही कानून के नीचे 40,00,000 एकड़ जमीन सरकार ने बोला था कि दलित और आदिवासी को मिलेगा। 60 साल के अमल के बाद सरकार खुद बोलती है कि 12,00,000 एकड़ से ज्यादा हम नहीं दे पा रहे हैं। कहां गई दलित आदिवासी की 28,00,000 एकड़ जमीन? नहीं मिल रही है। रतन टाटा शायद इस देश के सबसे गरीब आदमी है। उन्होंने फैक्ट्री शुरू करी गुजरात में, पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया तो गुजरात में आए नैनो का। जबकि जमीन की बाजारी कीमत 30,00,000 रुपया एकड़ था बीघा, 1,100 एकड़ जमीन सरकार ने टाटा कंपनी को दिया 3,00,000 के दाम पे, और 10,000 करोड़ रुपया कैश दिया ये धंधा शुरू करने के लिए। 10,000 करोड़ सबने विरोध किया, तो बोलते नहीं लोन दे रहे हैं। लोन की शर्त क्या है? इंटरेस्ट रेट 0.1%, 100 रुपये पे 1 साल का 10 पैसा ब्याज, और 20 साल तक आपको ब्याज नहीं चुकाना है। मॉरेटोरियम ऑन पेइंग इंटरेस्ट फॉर 20 इयर्स। मैंने 20 साल पहले मैनुअल स्कैवेंजर्स जो सर पे मैला उठाते उसके लिए कैंपेन शुरू किया गुजरात में। 20 साल के बाद सरकार ने अभी कानून बनाया पार्लियामेंट में, 20 साल की लड़त के बाद गुजरात में 56,000 लोग आज भी सर पे मैला उठाते हैं। पूरे देश में 7,50,000 लोग मेला उठाते हैं। मेला उठाने यानी क्या? जब मैं गांव में जाता तो मैंने देखा 1911 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस देश में हम जितना भी विकास की बात करेंगे सिर्फ 36% पॉपुलेशन के पास सैनिटेशन फैसिलिटी है। 125 करोड़ आधा आबादी में से अगर 64% के पास टॉयलेट नहीं है, 80 करोड़ लोग घर पे टॉयलेट नहीं है, कहां जाते लोग टॉयलेट? गांव में बड़ा जमीन दे दिया और तो यहां जाओ, मरद लोग यहां जाओ, कौन उठाएगा उसको? तो ये वाल्मीकि लोग जाते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है उसके पास? 2 छोटे छोटे पत्रे, 1 टोकरी, ऐसे उठाएंगे सर पे डालेंगे। मैं गांव से निकल रहा था, बारिश होती है पूरा उसकी बॉडी पे फेस पे निकल रहा है। ये हमारे देश के नागरिक है, ये हमारी आजादी है, ये हमारा विकास है। कोई सवाल नहीं करता है, गाली देने से क्या फायदा?
हमें जो करना है ना, हमें जो विरोध करना है, वो जो कॉन्क्रीट पॉलिसीज है जिसका अमल गरीबों के पक्ष में नहीं हुए, वो मुद्दे पे हमें वार करना है। क्यों? मैंने उसका लगी है, इसीलिए है क्योंकि वो गरीब है। गरीब क्यों है? 2011 की जनगणना संख्या के अनुसार वो जितने भी आंकड़ा की आप स्टैटिस्टिक रिपोर्ट देख लो, बिलो दी पॉवर्टी लाइन बीपीएल जिसको बोलते हैं, उसपे कौन गरीब है? दो ही समुदाय गरीब है पूरे देश में, सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी। क्यों है? जमीन नहीं है। जमीन क्यों नहीं है? आजादी के पहले पंजाब राज्य में कानून था कि अगर आप दलित है तो आपके पास पैसे भी है तो आप जमीन नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है आपका काम है जो उच्च जाति है उसकी सेवा करने का, आपको प्रॉपर्टी रखने का कोई मतलब नहीं है। ये पंजाब में कानून था, ऐसे कानून आजादी के बाद हमने निकाल दिए। इसीलिए पंजाब में भाखरा बना, नांगल बना, हरियाली क्रांति हो गई, पूरा देश का ग्रैंड बैंक हो गया। आप पंजाब में जाके देखेंगे दलित है वो लैंडलेस लेबरर है। आप लंदन में जाएंगे सबसे बड़े एयरपोर्ट पे, हीरो एयरपोर्ट पे जो भी टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं वो सब पंजाब के दलित है। तो अगर जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था ऐसा नहीं है कि छुआछूत नहीं है, जाति व्यवस्था एक सामाजिक आर्थिक राजकीय धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है। सिर्फ छुआछूत पे अटैक करने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमारे देश की आर्थिक विकास की नीति नहीं बदलेगी, तो मैंने मुझे पूछा ना कि गांव बड़ा प्रधान ने तो बोला तो गोली मुझे मार दो। अरे मैंने बोला गोली किसी को मारने का खाने का जरूरत ही नहीं देश में। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर को बोलता हूं कि अगर आपको दलितों पे बहुत प्रेम है ना, तो गुजरात में 25 लाख एकड़ जमीन जो आदिवासी और दलित के हाथ में से निकल गई, प्लीज रुपया वापिस कर दो उसको। इस देश में दलितों के अंदर 29% जो मेन वर्कर है ना, वो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स है। 20 साल से पार्लियामेंट के अंदर बिल लाने की कोशिश हो रही है कि पूरे देश के अंदर जितने भी मजदूर है उसका न्यूनतम वेतन फिक्स हो जाए। गुजरात में जो विकासशील मॉडल है उसका मिनिमम वेज हिमाचल प्रदेश से कम है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पैसे मिलते हैं, गुजरात में कम मिलता है। गुजरात में कानून है 250 रूपये आपको मिलेगा, 8 घंटे मजदूरी करोगे। मैं गांव जाता हूं, मैंने देखा कि 65 रूपया लोगों को दिया जाता है। गुजरात का हमारा खुद का अध्ययन है, स्टडी है कि कितना पैसा लोगों को कम मिलता है मजदूरी में, जो कानून से मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, वो दोनों के बीच का फासला करीब 35,000 करोड़ रुपया वार्षिक है इच ईयर। मैं सिर्फ गुजरात की बात करता हूं, पूरे देश की बात करें ना, मैं दलितों को गुजरात में बोलता हूं, हमारे भाई लोगों को, बहनों को, इस परिस्थिति के लिए हम भी जिम्मेदार। 1930 में गांधी जी ने जब साबरमती आश्रम से मार्च निकाला नमक लेने के लिए, दांडी गए ना नमक सत्याग्रह, उसके 10 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में कालाराम मंदिर नासिक शहर में वहां दलितों का प्रवेश का आंदोलन छेड़ा था। हम धक्का मार के दरवाजा तोड़ के मंदिर में नहीं आएंगे, प्यार से बुलाएंगे हम आएंगे। 25-25 लोग, महिला औरत, चारों दरवाजे पे थे। पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। आंदोलन कितना चला? 5 साल तक आंदोलन चला, 1935 तक दरवाजे नहीं खुले थे। तब बाबा साहब आम्बेडकर ने येवला में भाषण दिया, मुक्ति कौन पाथा, और बोला कि हिंदू में पैदा हुआ मेरे हाथ की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। नवसदन का सबसे बड़ा अध्ययन है गुजरात में, छुआछूत कितना है। हमने 98 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पे स्टडी किया है, 98,000 पीपल की इंटरव्यू लिया है, 1,569 गांव का स्टडी है, अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया है कि कोई नहीं बोलेगा कि क्रेडिबल स्टडी नहीं है। उसके 3 फाइंडिंग मैं आपको देता हूं।
90% गांव में आज भी दलित मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते हिंदू होने के साथ ही। 64% गांव में अगर आप चुने हुए पंचायत के सदस्य है या सरपंच है तो आपके लिए कुर्सी नहीं है, बाकी के लोग कुर्सी पे बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे। 54% 54% गांव के अंदर दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग बिठाया जाता है। मैं हमारे भाई लोग बहनों को पूछता हूं कि अगर 90% गांव में आपको मंदिर नहीं प्रवेश करने देते हैं तो आप जाना क्यों चाहते, मुझे समझ नहीं पड़ता है। लेकिन ये मंदिर प्रवेश की बात नहीं है, मेरे यहां तो बहुत लोग पढ़ने आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं। मैं सबको एक कागज का चिट्ठी देता हूं, एक पेंसिल देता हूं, बोलो एक मिनट नाम बंद करो और लिखो कि अपने फैमिली ने एक साल के अंदर धर्म के पीछे धर्म के हेतु पे कितना खर्चा किया। सबका फिगर इकट्ठा करो, एवरेज निकालो, पर फैमिली 40,000 रूपये आता है। पूरे देश में दलितों की बस्ती आबादी 20 करोड़ है, 4 करोड़ फैमिली। मैं मानता हूं कि 4 करोड़ फैमिली 40,000 ने लेकिन 10,000 रूपये का भी खर्चा कर दिए धर्म के पीछे। हम 40,000 करोड़ रूपया यही धर्म को देते हैं, बोलते हमारे पैसे लो और हमको अंदर मत घुसने दो, ये हमारे पैसे लो और हमको भी दो। ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज हमारे देश में दो सवाल है, गौतम बुद्ध से लेके ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, पंडित योगिदास, अच्युतानंद स्वामी उत्तर प्रदेश में, गाड़गे बाबा, शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ये पूरा इतिहास हुआ कि जाति व्यवस्था को खत्म करो। और अभी की जो राजकीय ताकत है वो बोल रहे कि जाति व्यवस्था को मजबूत रखो। ये संघर्ष ये दोनों के बीच में है कि इस देश में जाति व्यवस्था नहीं जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने है। धर्म के नाम, राजकीय नेता के नाम, सामाजिक पे नाम, लेकिन कास्ट सिस्टम एक देश में रहना चाहिए। बाबा साहब ने तो ये बोला था कास्ट रहेगा कोई विकास नहीं कर पाएगा। भले हमारा देश विश्व में चौथे क्रम का राज इकोनॉमी बनने जा रहा है ब्राजील के बाद, कल जो लिस्ट पब्लिक हुई कि पूरे विश्व में हमारा क्रम सातवां आता है सबसे धनिक नेशन में, क्या फर्क पड़ेगा। कई लोग हैं, कितने पैसे वाले लोग हैं, अंबानी ब्रदर्स है, एक भाई का निजी प्रॉपर्टी है 75,000 करोड़ रुपया, दूसरे लोग हैं जो खाना नहीं होता। हमने आज मैंने पेपर में पढ़ा ना, आज आप सबने देखा होगा ओडिशा में यहां के एक आदिवासी अपनी बीवी हॉस्पिटल में मर गई है, 24 घंटा बैठा रहा, एम्बुलेंस नहीं आया तो सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरी बीवी के साथ, कपड़े में लपेट के 10 किलोमीटर चला रोड पे गांव पे जाने के लिए, फिर किसी ने फोन किया तो एम्बुलेंस भेजा, पहले हर एक फ्रंट पेज पर छोटे रहे। ये हमारा देश है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, मैं कोई पार्टी में नहीं था, नहीं हूं ना कभी होगा। मैं जो बोल रहा हूं ना कि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कोई राजनीतिक पक्ष का सदस्य नहीं हूं, होता ना तो नहीं बोल पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, रिजर्वेशन बाबा साहब को नहीं चाहिए, ही नेवर वांटेड पॉलिटिकल रिजर्वेशन। उन्होंने मांग किया था सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग मताधिकार। उसका मतलब क्या है, ऐसे ही लोग दलित आदिवासी में चुन के जाना चाहिए जो अपना समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज अनामत की वजह से, आरक्षण की वजह से 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दलित। आपने देखा ऊना में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, 84 लोग इकट्ठा होकर पार्लियामेंट को बंद कर दिया, नहीं, क्योंकि वो 12 राष्ट्रीय पक्ष में बटे हुए हैं। इसमें से 35 बीजेपी के पास है, 9 जयललित के पास है, 8 ममता जी के पास है, 7 कांग्रेस में है। ये सब मानते हैं कि हमारी पहली वफादारी राजकीय पक्ष को होगा, दूसरी समाज को। बाबा साहब ने इसलिए नहीं बनाया था आरक्षण, वो बोलते थे कि आप जो जा रहे हो वहां पे आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं जा रहे,
ये आपका समाज का प्रतिनिधित्व आप करने जा रहे हैं, उसका पूरा माहौल बदल गया। ये हमारा अध्ययन छुआछूत का जब बहुत चर्चा चली विधानसभा में, तो एक वहां भी रूलिंग पार्टी थी बीजेपी, एक को आगे कर दिया आप बोलो, वो भी दलित दलित एमएलए। ये दलित एमएलए साहब क्या बोलते हैं, मैं दलित हूं, मेरी उम्र 50 साल की है, मैंने गुजरात में कभी छुआछूत देखा नहीं है। ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, आदिवासी में भी यही समस्या है। तो हमारा ये सिविल सोसाइटी कहां है, हमारे यूथ कहां है, ये हमारे यूथ में ये समझदारी क्यों नहीं है, हमारे पाठ्य पुस्तक में ये परिस्थिति का जिक्र क्यों नहीं है, हमारी पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं बदल रही है। ये जब तक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, मुझे उसमें कोई फंडामेंटल डिफरेंस मुझे नहीं दिखता है, बिल्कुल उसकी भाषा अलग होती है, मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि हमारा जो काम है ना वो समाज का है। अभी बड़ा झगड़ा चल रहा है, 31 तारीख को राजकोट में बड़ा सम्मेलन है अहमदाबाद के पास, करीब 40,000 लोग आएंगे। मुझे नहीं आना था यहां पे, लेकिन मैंने कमिटमेंट दे दिया था तो मैं आ गया। रात को वापस जाना है क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम है। अभी वो क्या बोल रहे हैं, गाय को राष्ट्रमाता जाया करोगे, गांधी जी को राष्ट्रपिता जाया किया, अभी गाय को राष्ट्रमाता जाया करोगे, लॉजिक क्या है? देखिए हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम एक प्रोग्राम में 1000 औरतों को बुलाया है अपने बच्चों के साथ, और सवाल यह है कि मेरी मां कौन है, और मैं मानता हूं मेरी एक ही मां है जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी कोई दूसरी मां नहीं है। तो 1000 बच्चे शपथ लेने वाले हैं कि ये मेरी मां है, मेरी दूसरी कोई मां नहीं है, और मैं मेरी मां को वृद्धाश्रम कभी नहीं भेजूंगा। गाय को क्या करते हैं, दूध नहीं देती है तो पांजरा बोल भेज दो। ये चमड़े का सवाल नहीं, मैं आपको समझाता हूं, गुजरात में मरे हुए पशु का 1200 करोड़ का धंधा है प्रति ईयर, एवरी ईयर, उसका चमड़ा, उसकी हड्डियां का पाउडर बना के बोन चाइना यूटेंसिल्स में जाता है, पेस्टिसाइड में जाता है, फर्टिलाइजर में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, उसकी जो चर्बी निकलती है साबुन में, कॉस्मेटिक में, और खारी बिस्किट खाते हो खारी बिस्किट में भी डालते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में चिपकता है ना वो घी नहीं होता है, खाली ये फैट होता है एनिमल का, 600 रुपए का घी कौन डालेगा, लोग आराम से खा रहे, जो बचता है उसका चिकन फिट हो जाता है मुर्गे के लिए 7 रुपए किलो के दाम पे मिलता है। ये दलित को मारा, वो बेचारा चमड़ा निकल रहा था, उसकी आमदनी 300 रुपया है पर डे का, लेकिन एक हड्डियां तोड़ने का, उसका पाउडर बनाने की फैक्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री, ये उसका चर्बी निकालने का जो बड़े बड़े कारखाना है गुजरात में पटेल और बनिया चलाते हैं, उसके पर कभी हमला नहीं होता। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था सोम ललित धारा सती जिन्होंने वो कहां है दादरी में, बाद में पता चला ना कि भाई साहब जो विरोध कर रहे हैं वो सबसे बड़ी कंपनी के मालिक थे जो गाय का मांस एक्सपोर्ट करता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि गांव में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है। क्यों, मैं जब कॉलेज में था ना तो हमारे टारगेट था कि पढ़ने के बाद हम गांव में जाएंगे। अभी लोग मानते हैं कि मैं पढ़ाई मैंने कर ली तो मैं सुधर गया, तो गांव के लोग गंदे हैं, मुझे गांव नहीं जाना है। हमारा लोगों से रिश्ता कट गया है, हमारे मां बाप से कट गया है, हमारे समाज से कट गया है। ये सामाजिक आंदोलन के लिए ये रिश्ता जिसको हम होमोजेनिटी बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं दोस्तों कि हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती आज है कि हमारा जो नागरिकत्व है वो जोखिम में है। बंटवारा हो गए लोगों का, आप ईसाई हो, ईसाई होना बुरी बात है क्या? मैं चर्च में नहीं जाता, मैं ईसाई हूं, मैं नहीं जाता कभी, क्यों?
जब से मुझे समझ आया मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब मैं गया तमिलनाडु में और केरला जो कि मार्क्सिस्ट है पूरा देश, पूरा इसकी प्रभुत्व है, आप केरला जाएंगे तो ब्राह्मीण में से जो क्रिश्चियन हुए उसके चर्च अलग है और दलितों के चर्च अलग है छुआछूत की वजह से। आप यूपी में जाएंगे तो मुसलमान में से जो पश्मीना मुसलमान है, दलितों में से कन्वर्जन करके मुसलमान आए, उसकी उसकी मस्जिद अलग है और बाकी के लोगों की मस्जिद अलग है। आप पंजाब में जाएंगे तो जो रविदासी सिख है दलित में से बने, उसके गुरुद्वारा अलग है, बाकी की अलग है। ये धर्म से मतलब क्या है? आप इंडिया की बात करते हैं, मैं तो अमेरिका गया था, लॉस एंजेलस शहर जो यहां से 17,000 किलोमीटर की दूरी पे है, लोगों को पता चला मार्टिन गया है, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे ले गए 400 मील दूरी पे सैन फ्रांसिस्को भाषण देने के लिए गुरुद्वारा में। तब पता चला कि वहां भी गुरुद्वारा में सिर्फ दलित सिखाते हैं, बाकी नहीं आते है। तो जाति व्यवस्था हमें इतना सारा देता है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि आजादी के 70 साल बाद हमारे देश पे संविधान का राज नहीं है, ये जाति व्यवस्था का राज चल रहा है। और ये जाति व्यवस्था का राज नहीं टूटेगा जब तक और कानून का संविधान का राज नहीं आएगा, ये हालात में सुधार नहीं होने वाला है। तो ये कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये हरेक इंसान का एजेंडा है। मैंने आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। जय भी।